तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे टाइम कैलकुलेशन के बारे में कि टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम आज की इस क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सेल में हम टाइम कैसे टाइप करेंगे। अगर टाइम टाइप करना हो, अभी का टाइम टाइप करना 8:06, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे 8:06 टाइप करना है तो आपको यहाँ पे 8:06, इसके बाद यहाँ पे आपको AM और PM लगाना पड़ेगा, इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर आपने 8:06 करके एंटर मार दिया तो ये मॉर्निंग का 8 बजे ले लेगा। तो अगर आपको EM PM नहीं लगाना है तो फिर 24 आवर के मेथड में यूज करें इस तरह से, देन AM PM की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी टाइम, जैसे कि करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम के लिए आपको यूज करते हैं नाउ। तो टुडे हमने बताया था, टुडे का फॉर्मूला क्या करता था, जस्ट सिस्टम डेट देता था, बट नाउ डेट एंड टाइम दोनों देता है। मुझे इसमें से आवर को अलग करना है, इसमें से मिनट को अलग करना है और सेकेंड को अलग करना है। तो यहाँ पे हम आवर के लिए आवर का फॉर्मूला यूज करेंगे, मिनट के लिए हम मिनट का फॉर्मूला यूज करेंगे और सेकेंड के लिए हम सेकेंड का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आवर, मिनट और सेकेंड तीनों अलग अलग हो जाएगा। फिर हमारे पास टाइम की फॉर्मूला है जिससे हम तीनों को वापस कंबाइन कर सकते हैं कि आवर, मिनट और सेकेंड, फिर वापस टाइम में कंबाइन हो जाता है। अब इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? इसका यूज़ जैसे कैलकुलेशन में भी होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी का टाइम लिखा और मुझे इसमें 20 मिनट ऐड करने हैं। अगर मिनट जो है आपका टाइम फॉर्मेट में हुआ, जैसे कि 0:20, तो ये मिनट जो है आपका टाइम फॉर्मेट में है, तो टाइम फॉर्मेट में होने से क्या हुआ, टाइम फॉर्मेट रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, टाइम फॉर्मेट से हुआ है कि इसमें इजीली हम प्लस कर सकते हैं। हमने 8:27 इसमें ऐड कर दिया, लेकिन अगर 20 इन द नंबर फॉर्मेट में होता तो दिक्कत होती, क्योंकि सिस्टम बोलता है 1 = 24 आवर, इट मीन्स 1 डे। तो अगर आपको 20 नंबर फॉर्मेट में है, देन हम इसको जो टाइम का फॉर्मूला है उसकी मदद से ऐड करेंगे कि टाइम 0 घंटा 20 मिनट एंड 0 सेकेंड, देन ऐड होके टाइम आएगा। तो किसी भी टाइम में कोई भी टाइम आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान वही रहेगा कि टाइम फॉर्मेट में होगा तो डायरेक्टली आप सम कर लें, बट टाइम अगर नंबर फॉर्मेट में हुआ तो फिर उसको क्या करना होगा, टाइम फॉर्मूले को कंबाइन करना पड़ेगा। क्लियर है, किसी को डाउट इस पे? हेलो जी, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब टाइम, हमने टाइम को ऐड करना सीख लिया, लेकिन अगर हम बात करें टाइम को सब्ट्रैक्ट करने, मतलब कि हम टाइम को माइनस करना चाहते हैं, दो टाइम के बीच का हम डिफरेंस चाहते हैं, तो दो टाइम के बीच का डिफरेंस कैसे निकलेगा? तो आपको दो टाइम के बीच में डिफरेंस निकालने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि आपकी जो टाइम है वो टाइम बिटवीन डे है, मतलब कि एक ही दिन का टाइम है, या फिर उसमें डेट का फर्क है, क्योंकि दोनों को फिर दोनों दो अलग अलग तरीके से की जाती है, अगर दोनों में डेट में फर्क हुआ तो। जैसे मान लीजिए कि मैं सुबह ऑफिस गया 10:20 में और शाम को 8 बजे हम ऑफिस से वापस आ गए, और मुझे बताना है, पता लगाना है कितना घंटा हमने काम किया, तो हम यहाँ पे करेंगे लेटेस्ट डेट एंड टाइम, मतलब कि आपका जो लेटेस्ट डेट एंड टाइम है माइनस ओल्डेस्ट टाइम,
और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इसमें मान लीजिए कि आप जो है आज सुबह 2 बजे ऑफिस गए और रात के 3 बजे आप ऑफिस से वापस आए, ये गलत हो जाएगा क्योंकि डे चेंज हो गया है। और ध्यान रखिएगा, कभी भी टाइम माइनस में नहीं आता है और लोअर माइनस अपर नहीं होता है। तो आपको क्या करना होगा, फिर दोनों को डेट एंड टाइम इकट्ठा लिखना होगा कि मैं आज 12 तारीख को 2 बजे ऑफिस से गया और 13 तारीख को 3 बजे ऑफिस से आया। तो और हम यहाँ पे लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट करेंगे तो आपके पास डिफरेंस आएगा। और डिफरेंस में प्रॉब्लम हो सकती है कि वो नंबर फॉर्मेट में इस तरह डेसिमल्स में आ जाए, तो उस डेसिमल्स की जगह पे हम टाइम फॉर्मूला में 37:30:55 को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे 13:00 दिख गया, 13 घंटे का डिफरेंस। तो दो डेट्स, दो टाइम के बीच में डिफरेंस निकालना और किसी टाइम में कोई पर्टिकुलर पीरियड ऐड करना, समझ में आ गया। अब चलिए फॉर्मूला मेनू बार में हम डेट एंड टाइम फॉर्मूला में देखते हैं क्या क्या हमारा बचा हुआ है। हमारे पास डेट वैल्यू का फॉर्मूला है। अगर आपका डेट अगर टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो उसको आप डेट वैल्यू फॉर्मूला से कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर में। तो डेट वैल्यू फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। डे हमने बताया था, डेज डिफरेंस लगाने के लिए होता है, जो माइनस करते हुए है डेज 360। अब जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि दो डेट के बीच में से डिफरेंस निकालने के लिए कि आप लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट कर दिया, या फिर आप लगा सकते हैं फॉर्मूला डेज का और डेज में लेटेस्ट कॉमा ओल्डेस्ट करेंगे तो आएगा। एक फॉर्मूला होता है डेज 360 का, वो यहाँ पे स्टार्ट और एंड डाल देने पे क्या होगा कि आपको ये बताएगा। अभी 11 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 91, एक दिन का फर्क आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि साल को डेज 360 जो है साल को 365 दिन नहीं 360 दिन लेता है। डेज जो है साल के 365 नहीं 360 लेता है। ये फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 360 दिन का होता है। तो डेज 360 का यूज हम इसलिए करते हैं। उसके बाद हमने ई डेट बताया था आपको, ई मंथ भी बता दिया था, आवर भी बता दिया। हाँ, वीक नम के बारे में, वीक नंबर, वीक नम के बारे में एक बार जान लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए डेट्स हैं तो मुझे इसके वीक डे पता करने हैं। तो अगर वीक डे नंबर में पता करना है तो आप यहाँ पे वीक डे का फॉर्मूला लगाएं, इसको सेलेक्ट करें और बताएं आपका वीक स्टार्ट कब से हो रहा है। तो मेरा वीक स्टार्ट मंडे से होता है तो हमने 2 डाल के सेलेक्ट किया, तो ये आपको मंडे को 1, ट्यूजडे को 2 और इस तरह से आपको डेट देगा। जैसे आज मंडे है तो आज 1 इसने दे दिया। लेकिन आपको चाहिए संडे मंडे, तो इसके लिए टेक्स्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और यहाँ पे DDD 3 बार DD और सेलेक्ट करके इसको एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपके सामने ये रिजल्ट है। लेकिन मुझे चाहिए कि साल का कौन सा वीक है, तो उस केस में हम वीक नम या ISO वीक नम दोनों एक ही है हम निकालते हैं, जो बताता है कि साल का कौन सा वीक चल रहा है। ये साल का बताता है, मंथ का नहीं। तो ये आपका वीक नम है। फिर यार आपका आता है मिनट, मैंने बताया आपको, मंथ बताया, नेटवर्क डेज, निर्भर इंटरनेशनल भी बता चुका हूँ, नाव भी बता ही दिया, सेकेंड भी बता ही दिया, टाइम का फॉर्मूला भी बता ही दिया, टाइम वैल्यू। जैसे डेट वैल्यू था ऐसे टाइम वैल्यू होता है कि अगर आपने टाइम को टेक्स्ट में लिख दिया तो टाइम वैल्यू उसको टाइम वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। टाइम का फॉर्मूला अप्लाई, फॉर्मेट अप्लाई कीजिए, टाइम वैल्यू शो कर देगा। उसके बाद टुडे बता ही दिया था मैंने आपको, वीक डे भी बता ही दिया, वीक नंबर भी बता ही दिया, वर्क डे बता चुका हूँ, वर्क एंड भी बता चुका हूँ, ईयर भी बता चुका हूँ। अब लास्ट फॉर्मूला बचता है ईयर फ्रिक्वेंसी। जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी को आपने कोई काम स्टार्ट किया और आज इस काम को ख़त्म कर रहे हैं, तो आपका जो ईयरली पेमेंट है 5 लाख रुपये का ईयरली पेमेंट है आपका,
तो आप पूरा साल तो काम किए ही नहीं है, तो कितना रुपए कितना परसेंट की बिलिंग करेंगे, मतलब साल का कितना परसेंट आपने काम किया, वो आपका ईयर फ्रीक्वेंसी में पता चलता है। ईयर फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कीजिए, एनुअल्स को सिलेक्ट कीजिए। 53% जो है हम 2021 इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है सर। सर मुझे इसका ये आज के क्लास का वीडियो भेज देंगे, ये इधर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो हमने जो है आपके साथ टाइम फार्मूला ख़त्म कर लिया। टाइम फार्मूले में मेरे हिसाब से अब कुछ बचा हुआ नहीं है, अगर बचा हुआ तो बताइए, हम आपको बता देते हैं। तो हमने लॉजिकल कैटेगरी ख़त्म कर ली, हमने डेट टेक्स्ट को ख़त्म कर लिया और हमने डेट एंड टाइम को ख़त्म कर लिया। अब हम बात करें, हमें लॉजिकल पे हमने आपके साथ कुछ क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, उसी तरह से हम डेट एंड टाइम पे भी आपको कुछ क्वेश्चन देंगे सॉल्व करने के। ओके okay?